वेलकम टू केदारनाथ यात्रा 2021 एपिसोड 4। चलो कॉल भी करनी है, होटल भी देखना है, बैठो मत, आओ। 12:30 हुए अभी, 1.5 किलोमीटर है, आओ चलो 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। आओ ना यार, ये देखो, गौर से देखो नाटक। हाँ भाई, क्या हुआ? हेलो, चलो चलो उनके साथ चलो, लाओ परी हाथ दो बेटा। हाँ ठीक है, चलो खड़ी अभी तो बारह ना टाइम है, चलो चलो परी छोड़ो, इधर आओ, कम गो। इस जगह का नाम है गौरीकुंड। चलो बेटे, हम लोग अभी जा रहे हैं जहाँ पे हमें घोड़े मिलते हैं वहाँ पर। यहाँ पर पूरी मार्केट है, अगर आप लोग कुछ अपना सामान लाना भूल गए हो घर से तो आप उसको यहाँ से परचेज कर सकते हो, और बेहतर होगा आप लोग यहीं से परचेज कर लो, क्योंकि अगर आप ऊपर परचेज करोगे तो वो आपको डबल प्राइस में मिलेगा। मतलब एक पानी की बोतल भी अगर आप ऊपर लेते हो तो वो आपको 50 रुपये की मिलेगी ऊपर। ये भाई जो हमारा बैग लेके चल रहे हैं, ये खच्चर वाले भैया हैं, तो ये हमको लेके जा रहे हैं वहाँ तक जहाँ पर खच्चर खड़े होते हैं, वहाँ तक हमको पैदल ही चलकर जाना है, और वहाँ से हमें फिर खच्चर मिलेंगे जिस पर बैठ के हम लोग ऊपर जाएंगे। चलो 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 चलो, यहाँ पर होटल्स वगैरह भी काफ़ी हैं, तो अगर आप खाना वगैरह खाना चाहते हो तो वो खा सकते हो। कपड़े भी मिल रहे हैं यहाँ पे, सब्ज़ी वगैरह सब है, मतलब पूरी मार्केट ही है ठीक ठाक। सामने एक ये होटल है, चलो परी परी चलो, अन्नपूर्णा इस होटल का नाम है, अन्नपूर्णा टूरिस्ट रेस्ट हाउस। यहाँ पे आप बुकिंग कर सकते हो, उसके नंबर दिए हुए हैं। नहीं, कोई नहीं, मैं ले लूँगा। इन भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प की थी, यही वो भाई है जिनके हमने खर्चे किए हुए थे। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। वेरी नाइस पर्सन, बहुत हेल्प की थी इन्होंने हमारी। काफी भीड़ है आज। ये हमारे साथ एक ग्रुप और भी आ रहा था, जो भाई ने
टोटल बताया था कि 40 बंदे हैं, 40 बंदों का ग्रुप है, वो भी हमारे साथ ही जा रहे हैं। हाथ दो बेटा, तो भाई ये वाला हाथ दो। हाँ ठीक है, चलो शाबाश। थोड़ी से आओगे यार। वो यार कितनी है भैया, कहाँ मिलेंगे खच्चर? और कितनी दूर है? कंफर्टेबल कंफर्टेबल बच्चा का। तू बैग ले ले अगर, तो मैं परी को गोद ले लूं। चलो आपने आ जाओ। चलो भैया चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फुल स्पीड में आ जाओ। पूरी बाबा भाई साइज पकड़ो। चढ़ चढ़ के हालत खराब हो रही है। थोड़ा है सर, थोड़ा यहाँ पर रुकने में, गुड़ मांगता हूँ गुड़ के। आओ यहाँ बैठते भाई, आ जाओ बैठो भाई। हालत हो गई है खराब चढ़ चढ़ के, अभी खच्चर नहीं मिला थोड़ी देर बाद मिलेगा। ये इनकी हालत खराब हो रही है। हेलो करो भाई, हेलो करो। चलो सामान ले लिया, हालत खराब हो रही है, अभी और आगे चलना है। चलें फिर परी, चलो बैठो ऊपर। पिट्ठू पिट्ठू बैठ, क्या हुआ, हो गया? पिट्ठू बैठ गया, चले चल मेरे पिट्ठू चले। हाँ परी हेलो बोलो, इधर बोलो इधर। हेलो गाइस, कैसे हो, केम छो, मजा मा आ रहे गई मैडम। चलो यहाँ भीड़ क्या लगी, चेकिंग होनी है घोड़े पर। चलो चलो वो कहाँ रह गई, ये ये चल 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 जल्दी चल, इधर उधर मत देख भावना, चल आगे निकल पहले, यहाँ भीड़ हो रही है। चलो चलो भैया आगे चलो आप। चलो भाई सस्ता घोड़ा आ जाओ, सस्ता घोड़ा भी जाओ भाई। हाँ हम तो चल ही रहे हैं, तुम तो आओ पहले। हेलो
अच्छा इतने में हालत खराब हो गई। परी पकड़ो यार, बहुत ऊपर लगा रखे तुमने तो। सर यहाँ फिसलन होती है इसमें। अच्छा, पत्थर वाला है। आगे कैसा रोड है? आगे चढ़ा ये ठीक है रास्ता। यहाँ ये है ना सीमेंट है पूरा। अच्छा कैसा लग रहा है? उसे रहने दो। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया हुआ है। नाश्ते में हम लोगों ने किया है पराठा, मैगी, चाय। इसके अलावा कुछ ऑर्डर किया था नहीं। तो गौरीकुंड से लोग हम लोग निकले थे खच्चर लेकर के। 8 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आ चुके हैं। 8 किलोमीटर ऊपर आने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ कुछ नाश्ता वगैरह कर सकते हो। वैसे तो जगह जगह नाश्ता लगा हुआ है, कहीं भी आप कर सकते हो टेंट वगैरह में रुक करके। और नाश्ता जैसे कि यहाँ मिलेगा आपको पराठा, आलू का, मैगी और चाय। तो पराठा होगा 50 रुपये का, मैगी होगी 50 रुपये की, और चाय का रेट है यहाँ पर 20 रुपये। ठीक है, जो दिन करे वो खा सकते हो। हेलो बोलो। हेलो हेलो, क्या चले अब? ये घोड़े की सवारी यहीं तक है, उसके बाद अब यहाँ से पैदल ही जाना है। कोई सवार कोई चांस नहीं है, तो चल रहे हैं पैदल। लग गए। यहाँ से थोड़ी दूर है मंदिर। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पहाड़ थोड़े से खिसके हुए हैं। एक्चुअल में ये जो रास्ता है ये पुराना रास्ता है, मतलब मंदिर आने के लिए जो पहले वाला रास्ता था वो यही वाला है। तो जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से ये रास्ता जो है सारा टूट गया था, और ये जो रास्ता देख रहे हैं जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं ये नया रास्ता बना हुआ है। तो गोद लो, गोद लो, तो बैग लो। श्री केदारनाथ धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं मंदिर, थोड़ी सी दूर और रह गया है। और यहां से आगे की वीडियो मिलेगी आपको एपिसोड 5 में। तब तक के लिए बाय बाय।